अस्सलाम वालेकुम जी। तो यही ब्लॉग नंबर टू का पार्ट नंबर टू है। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, सबसे पहले डिज़र्ट जो कि आज कॉफ़ी लोफ बनाने जा रहे हैं हमने, और दूसरी साइकिलिंग और बाहर जाना थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल डिज़र्ट बना रहे हैं कॉफ़ी लोफ, तो उसके मैं आपको रेसिपी और बनाने का मेथड। चलें जी गाइस, अब जब तक हमारा कॉफ़ी लोफ जो है वो फ्रीज़र के अंदर ठंडा हो रहा है, फ्रिज में आप रखेंगे तो 40 मिनट्स, फ्रीज़र में रखेंगे तो 20 मिनट्स या 30। तो जब तक वो गर्म हो ठंडा होता है तब तक मैं जाता हूँ बाहर अपने मॉन्स्टर ट्रक पे और आप लोगों को साथ बताता हूँ कि क्या क्या लेना है और किधर किधर जा रहा हूँ, मतलब वही चीज़। चलिए ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ। तो जी अंदर तो मैं आ गया हूँ और प्लेजेंट सरप्राइज ये कि बाबा भी आ गए सेंटर से वापस और दादू भी आ गए, दोनों ही आ गए। तो अब मैं ज़रा अपने ये ट्रक व्रक पार्क कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कॉफ़ी लोफ पे अपडेट देता हूँ, क्योंकि यकीनन वो भी हो गया होगा जब तक मैं गया हूँ। और फिर चिप्स देखेंगे मेरी मम्मा के हाथ के। तो जी मैं घर वापस आ गया हूँ बाहर से, और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हम शाम के चाय का टाइम है और उसके अंदर मेरी मम्मा चिप्स बनाएंगी, तो अभी मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ क्योंकि बहुत मज़े के होते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं, लेकिन घर के होते हैं तो ये एक अच्छी एडवांटेज है। जी जब तक चिप्स बन रहे हैं तब तक मैं आपको दिखाता हूँ हमारे घर आने वाली बिल्ली, जो कि बहुत ज़्यादा डरती है मुझसे। और ये इसको थोड़ा सा गोश्त डाले, हल्का सा गोश्त का हल्का सा लेवर डाले, तो बिल्लियों को तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैट फूड वाली बिल्लियाँ नहीं है। तो चिप्स तब तक थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ वो। तो जी ये तैयार हो गया है, चिप्स भी तैयार हो गया है, साथ कॉफ़ी लोफ भी दोनों रेडी हो गए। तो ये चिप्स हैं, आप देखें ज़रा कितने क्रिस्पी हैं, उनके ऊपर ज़रा वो आप लेयर देखें जो उस बेसन की वजह से उसके ऊपर क्रिस्पी क्रिस्पी लेयर आ जाती है ये। और साथ इसकी चटनी बनाई है मम्मा ने, और साथ ही हॉट सॉस है, और ये कॉफ़ी लोफ का फाइनल प्रोडक्ट है। बहुत थिक है ये देखें। तो ये अब बस अंदर लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा उससे पहले आप लोगों को दिखा दूँ किस तरह दोनों का एंड प्रोडक्ट। बताना ही भूल गया, मेरी चाय भी रेडी हो गई है मम्मा के कप के अंदर डाल ली, क्योंकि कप मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो बस अभी ये सारा कुछ तो हो गया, खाने शाने का इंतज़ाम तो हो गया, तो अभी इसके बाद शहर में बात। अस्सलाम वालेकुम, दिन को मैं आप लोगों से मिला था कि मैं जाऊंगा और सामान शामान के लिए वो, तो अभी थोड़ा अंधेरा लग रहा है तो रुके जरा इसे थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं। तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। जो मेरा मकसद आने के नीचे ये है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को रॉकरी दिखाऊंगा, तो ये है रॉकरी हमारे घर में लॉन में। तो रुके सर मैं आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं गाइस, ये है रॉकरी और ये हमारे लॉन को बहुत ज़्यादा प्यारा कर देती है, ओवरऑल घर की लुक बहुत प्यारी कर देती है। अब जैसे बंदर रात के वक्त हो, तो अब जैसे देख सकते हैं इधर इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, और उसके अंदर जब ये दूर से इस तरह नज़र आए
तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत रिलैक्सिंग लगती है। और इधर अगर बंदा बैठ के इसे देखता ही रहे तो उससे हम इतना अच्छा टाइम गुजरता है। तो इतने अच्छे माहौल के अंदर आज का व्लॉग ख़त्म करना अच्छा लगेगा, कि आज दो पार्ट्स में था व्लॉग। तो आई होप कि आपने दोनों इन्जॉय किए हों, और इंशाल्लाह इस तरह के और भी बहुत से व्लॉग होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे व्लॉग होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके सारे का ये मतलब है कि आप लोगों को डिटेल रखना, आप लोगों को खुश रखना, और अल्लाह करे कि मैं उस गोल के अंदर सक्सेसफुल हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो। और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।